हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपनी फेसबुक आईडी में किस तरह अपने फ्रेंड्स को लिमिटेड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनके पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है और अननोन पर्सन की रिक्वेस्ट आती है। मतलब कि जैसे बॉयज़ के लिए तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, पर गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि उन्हें अननोन लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं और रोज़ आती हैं। तो इस बेस पे जो है मैंने ये वीडियो बनाई है कि काफ़ी कम लोग आपकी आईडी में किस तरह, मतलब कि आपके जानने वाले लोग ही आपको रिक्वेस्ट भेज सकें, जैसे कि आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको अननोन पर्सन कोई भी रिक्वेस्ट ना भेज सके। तो सिंपल तरीका है, इतना कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं, फेसबुक में जाते हैं और हमें अपनी मेन्यू में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और जैसे कि हमारी आईडी आ गई, हमें सेटिंग प्राइवेसी के अंदर जाना है, फिर उसके अंदर फिर सेटिंग में जाना है, और हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है हाउ पीपल, इसमें क्लिक करना है। और आपके सामने पहले नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है हु कैन सेंड रिक्वेस्ट, इसे आपने क्लिक करना है, और नीचे देख रहे हैं आप फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, इसे क्लिक कर देना है। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो आपके सिर्फ दोस्त के दोस्त जो हैं, आपके जानने वाले लोग जो आपको जानते हैं, वही आपके पास रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसके अलावा कोई और अननोन पर्सन आपके पास रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, वो सिर्फ आपको जस्ट फॉलो कर सकता है। तो सिंपल तरीका है, इतना कोई बड़ा नहीं है। इसके अलावा आप ये करेंगे और आपके जो है फ्रेंड्स के फ्रेंड्स ये आपको रिक्वेस्ट भेज सकेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। टॉपिक लगे अच्छा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।